नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है। आज वो दिखाते आए ये देखिए पुल है, ये कठवा का पुल, इन लोग इसी को बोलते हैं। और दो लोग चाचा लोग मछली मार रहे हैं। ये कौन नदी है चाचा जी? ये कुंवर, एक कुंवर नदी है, ठीक है, जो आगे तमसम जाके मिली है। आगे दत्तात्रेय महंत वाला जो राम यहाँ आए थे वो आगे पड़ता है, ठीक है। और अच्छा चाचा जी, आप लोगों से चुनाव के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि आप लोग तो जवाब देना आपको। अच्छा बताइए कि यहाँ सरकार जो चल रही है, मान लीजिए बीजेपी चल रही है, ठीक है, आप किसको लाना चाहते हैं? लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं, बदलना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं? मछली मारने वाले लोग हैं, सपा सरकार लाना चाहते हैं। सपा सरकार में कोई खासियत बताइए जो सत्य आपको अच्छी लगी हो? महंगाई नहीं ना, महंगाई बहुत काफी वो चाहते कुछ टाइट बोल रहे हैं, उससे पूछते हैं। आइए बोलिए, अब अखिलेश यादव की खासियत क्या देख लिए कि उसको पढ़ाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? थोड़ा इधर हो जाइए आप लोग। नहीं सही, नहीं कोई दिक्कत, महंगाई नहीं। अच्छा रोजगार आदमी तो महंगाई नहीं, अरे तो हम अपना कार्य, इतना बेरोजगारी नहीं है, आदमी आज बेरोजगार है, कंपनी फैक्ट्री बंद है, इंदिरा जी ऐसा नहीं, इंदिरा जी तो अच्छे हैं, आदमी खुशहाल है, इंदिरा जी मुझे इतनी महंगाई है कि आदमी आज में अपना परिवार नहीं चला सकता। तो जोगी के लोग, कुछ लोग बोलते हैं, चाहे वो जोगी खुद बोलते हैं कि महंगाई हमारे अंदर नहीं बढ़ी है, हम लोग गुंडावाद खत्म कर दिए, क्या सब सही है? इंदिरा जी कभी गुंडावाद हुआ है? चाहे वो योगी जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, किसी राज में कोई गुंडई राज नहीं खत्म हुआ, किसी गुंडे राज नहीं खत्म हुआ। क्राइम तो आज भी है, क्राइम आज भी है। नहीं सही कह रहे हैं कि देखिए कोई भी सरकार आए, गुंडई होती है, मर्डर जो होता है, मेन बात बोलते हैं मर्डर जो होता है, दंगा प्रसाद जो होता है, हर टाइम हुआ था, आज भी हो रहा है, होगा आगे, ठीक है, कोई भी राज्य। अभी आपने देखा ही होगा कि अभी 6 साल बच्ची में आज उम्र में रेप हुआ, आपके सामने एकदम राइट बात बोले। अब जोगी जी बोलते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा राज खत्म हो गया, अगर गुंडई अगर नहीं रहती तो आज उम्र में रेप कैसे होता? 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है, पेपर में आज पूरा दुनिया देखी है। अच्छा बताइए कि कल आज के पेपर में आज देखिए, आज सिधारी पे गोली मरा गया, क्या उनके राज्य में गोली नहीं चल रही है? तो वही बात है, आज गोली चली है, कल का एक आदमी मर गया पेपर में सिधारी पे। अच्छा जी, चाचा जी बोल रहे हैं कि कल आज के दिन कल कल हुआ था, नहीं मालूम है आज, अच्छा मतलब कल हुआ था। ये चाचा जी बोल रहे हैं सिधारी पे जो है किसी का मर्डर हो गया, तो यही मतलब बताना चाहते हैं कि दबंगई गुंडई हत्या तो जो भी होता है आज भी कायम है, कभी रुकेगी नहीं, करने खत्म होगी, चलती रहेगी। बस इतना हो सकता है कि कुछ हद तक सरकार लगाम लगा सकती है, कोई भी सरकार, तो जो राशन बाकी बोलते हैं कि 4 किलो राशन दे रहे हैं, चावल खा सकता है, जिसके राज में तो जो 80 रुपये आप भी लेते थे, आज भी तो 80 रुपये लीटर का तेल भी खाते थे, आज एक वही तेल आज 200 रुपये लीटर है। तो ये दो चार लोग बोलते हैं कि पैसा भी तो बड़ा है, क्या बड़ा कमाने वाला जो लोग पहले 300 कमाता था आज 500 कमा रहा है, कौन बोलता है कमाता है? पहले जो आदमी खुशहाल था आज बैठ के रो रहा है, यहाँ हम लोग नदी कल किनारे आके मछली मार रहे हैं, अखिलेश यादव राज में तो हम लोग खुशहाल थे, उनके राज में ये देखिए अपना दर्द भरी कहानी बता रहे हैं, अखिलेश राज में सबसे खुशहाल थे, आज ऐसा दिन है कि लोग मछली मार रहे हैं, ये लोग मछली मार रहे हैं, बेरोजगारी हो चुकी पूरा फुल तरीके से। इनके राज में हर चीज का महंगा है, खाद्य सामग्री कोई भी लीजिए महंगा है, आदमी को क्या चाहिए? रोड चाहिए, खाद्य सामग्री सस्ता होना चाहिए, और क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए अच्छी, शिक्षा अच्छी, रोजगार अच्छी चाहिए। हम इन्हें करें, योगी जी नहीं कर रहे, योगी जी भी तो कर रहे हैं, मगर तो क्या है, योगी जी देखने के लिए कहीं आते हैं, अखिलेश यादव ही आए थे देखने, सवाल ये है कि इतना महंगाई नहीं था, इतना आदमी बेरोजगार नहीं था। अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं, लास्ट सवाल है कि जो सिवान में सांड दौड़ रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार और कौन है? इसको किसान बर्बाद हो रहा है, हाँ तो बर्बाद है ही, क्या किसान है कि आदमी रात दिन बैठ वहाँ देखिए क्या रात में ठंडी में सोने के लिए, लेकिन आदमी अपना मचान डाल के सोया क्यों सोया है? हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि वो अपना खून पसीना लगा कुछ तो उसका आशा है किसानों का। चाचा की दर्द भरी कहानी आप लोग सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए,
कैमरा मैन सनी यादव को सपोर्ट कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आगे जाएँ हर चीज़ पर। अब ये क्या चीज़ है, हम हर चीज़ आपको दिखाएंगे ताकि सच्चाई हो। चलो जी, अच्छा हम ये काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन, यही हम नहीं आपको हम नहीं आप लोग तो अच्छा कर ही गए भाई, आप तो कम से कम जनता की बात तो सुन रहे हैं, उनका दुख तो। टीवी वाले देखिए आते नहीं आपके पास होंगे, टीवी वाले हम ये कहना चाहते हैं आप तो कम से कम इतना ये कि आप तो आके अपना हम लोगों का दुख सुने। नदी किनारे वो भी नदी नहीं, पब्लिक का देखिए हम लोग, हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि पब्लिक जहाँ भी परेशान है सच के साथ ही, इसीलिए नाम नहीं लिखवा दिए हैं। हम हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे ताकि हम लोग का गरीब हुआ चाहे कोई भी हुआ, कितना भी परेशानी झेल रहा है उसको हम सच्चाई दिखाएं कि नेता गलती कर रहा है, विधायक गलती कर रहा है, डीएमएस तो कोई भी मतलब कोई भी गलती कर रहा है, सबको हम दिखाएंगे। लोग बोलते हैं अखिलेश यादव के राज में गुंडे थे, अखिलेश यादव के राज में जो है माफिया डॉन घूमते थे, अखिलेश यादव के राज में इनके भी राज में वही है। कौन सा मंत्री नहीं चोरी कर रहा है, जिस मंत्री की आय 1 लाख थी उसका आज 10 लाख है, क्यों नहीं इनके राज में नहीं है? नहीं सर, तो योगी जी हुए चाहे मोदी जी हुए चाहे कोई भी हुआ, सबके राज में उतनी क्राइम नहीं सर। अच्छा अच्छा चल चलते हैं, बस दीजिए बस। चलिए कैमरा मैन सनी यादव, आप लोग चलते हैं अगले निजामत मार्केट में, और ये देखिए यहाँ का माहौल है, सोचे हैं कि चाचा जी लोग पूछ लेते हैं दर्द भरी कहानी आपको सुनाए हैं, अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा बनकर।